हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मेरी गाय बच्चा देने वाली है, लेकिन उसके गर्भ में बच्चा नहीं ठहर रहा है। राम भाऊ, तुमने महालसापति से इलाज करवाया? साईनाथ, मैं? हाँ हाँ, तुम महालसापति। जल्द से जल्द राम भाऊ की गाय का इलाज शुरू करो। देख रहे हो ना, राम भाऊ अपनी चिंगी गाय को कितना प्यार करते हैं। लेकिन साईनाथ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं महालसापति, तुम्हें राम भाऊ की चिंगी का इलाज करना है, और राम भाऊ तुम्हें भी अपनी चिंगी का इलाज महालसापति से ही करवाना है, समझे? जी। ऊपर वाले का भी कमाल है, क्या क्या लीला करता रहता है। देवा ने कहा है ना महालसापति से, ये आपकी गाय का इलाज करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। संतों के बारे में हम कह भी क्या सकते हैं गुरुजी, संत दुनिया का हमेशा भला सोचते हैं और भला चाहते हैं। क्योंकि संत मालिक का दूत है, मालिक का सगुण साकार रूप है। अब आप ही हमारी लाज रखिए साईनाथ, आप हमारे खंडोवा हैं, आपकी ही उदी दवा के रूप में राम भाऊ को दे रहा हूं। चिंगी गाय पर बराबर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उसको बच्चा हो और दोनों माँ बेटे स्वस्थ रहे। पैसा अच्छे अच्छे लोगों की मति भ्रष्ट कर देता है महालसापति। पैसे के लिए इंसान मालिक के साथ भी विश्वासघात करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जो सच्चा है, सत्य की राह पर पैसों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देता भी नहीं, गरीबी में भी उसका मन साफ रहता है, गरीबी में भी मालिक को नहीं भूलते, कुविचार अविचार उनके पास भटकते भी नहीं। वो लोग अपने हालात के लिए कभी मालिक को दोष नहीं देते, बल्कि हालात से लड़कर अपने हालात सुधारने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही इंसानों का मालिक पर अटूट विश्वास होता है। अरे कैसे हो राम भाऊ? आपकी कृपा से ठीक हूँ बाबा। आपका परिवार? साई बाबा सब जानते हैं मेरे परिवार के बारे में। सकुबाई, राम भाऊ को फिक्र इस बात की हो रही है कि उनकी लाडली गाय बच्चिया को कब जन्म देगी। बाबा आप अंतर्यामी हैं बाबा। लेकिन इसमें इतनी बेचैन होने वाली कौन सी बात है राम भाऊ? बहन, मेरी गाय बच्चा देने वाली है, लेकिन उसके गर्भ में बच्चा नहीं ठहर रहा है। राम भाऊ, तुमने महालसापति से इलाज करवाया? साईनाथ, मैं? हाँ हाँ, तुम महालसापति। जल्द से जल्द राम भाऊ की गाय का इलाज शुरू करो। देख रहे हो ना, राम भाऊ अपनी चिंगी गाय को कितना प्यार करते हैं। लेकिन साईनाथ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं महालसापति, तुम्हें राम भाऊ की चिंगी का इलाज करना है, और राम भाऊ तुम्हें भी अपनी चिंगी का इलाज महालसापति से ही करवाना है, समझे? जी। ऊपर वाले का भी कमाल है, क्या क्या लीला करता रहता है। आंखें देता है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं, जुबान देता है लेकिन उस जुबान में बोली नहीं, गूंगा बनाता है गर्भ देता है लेकिन गर्भ बढ़ाता ही नहीं। अपने कर्मों के फल भुगते बिना इंसान का उद्धार नहीं होता। रहम करो मालिक, दया करो, तुम्हारा बनाया ये इंसान खुद को कितना प्रबल समझता है, लेकिन है कितना दुर्बल। उस पर कृपा करो मालिक, कृपा करो।
सबका मालिक एक। मालसापति जी, मुझे अपनी चिंगी गाय की बहुत फिक्र हो रही है। बैठिए राम भाव, मैं अभी आया। बैठिए राम भाव, बैठिए। देवा ने कहा है ना मालसापति से, ये आपकी गाय का इलाज करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। संतों के बारे में हम कह भी क्या सकते हैं गुरुजी, संत दुनिया का हमेशा भला सोचते हैं और भला चाहते हैं। क्योंकि संत मालिक का दूत है, मालिक का सगुण साकार रूप है। संत परमानंद की मूर्ति है, मालिक की कीर्ति है। संत हर किसी का धर्म क्षेत्र है, हर किसी का तीर्थ क्षेत्र है। जो संत के मार्गदर्शन पर अपना जीवन बिताते हैं उनका कल्याण होता है, क्योंकि संत और अनंत में अंतर नहीं है। गुरुजी, साईनाथ ने इस धर्म संकट में मुझे क्यों फंसाया? इलाज तो उन्हें खुद करना चाहिए था ना, मैं क्या इलाज करूंगा, कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साई साई बो। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरुना। अब आप ही हमारी लाज रखिए साईनाथ, आप हमारे खंडोवा हैं, आपकी ही उदी दवा के रूप में राम भाव को दे रहा हूं। चिंगी गाय पर बराबर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उसको बच्चा हो और दोनों मां बेटे स्वस्थ रहें। राम भाव, इसे आप चिंगी गाय के सींग में बांध दीजिएगा, सब कुशल होगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ। जो जानवरों को प्यार देता है मालिक उसे कभी नहीं भूलता, हर प्राणी मात्र में मालिक है, इसलिए जानवरों से कभी बुरी तरह से पेश नहीं आना चाहिए, उनसे कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो बोल नहीं सकते, बेजुबान हैं, और जो कोई उनका दुख दर्द महसूस करके उन्हें उनके दुखों से राहत दिलाने की कोशिश करता है, मालिक उसे उसके दुखों से राहत दिलाता है। सबका मालिक एक। तुम चिंता मत करो चिंगी, भाव काका तुम्हारे लिए साईं बाबा से दवा लेकर आए हैं। हाँ जानकी, साईं बाबा ने महालसापति को दवा देने के लिए कहा और महालसापति जी ने ये दवा चिंगी के सिर पे बांधने को दी है। तो फिर देरी किस बात की भाव काका, जल्दी से ये दवा चिंगी के सिर पर बांध दीजिए, चिंगी बहुत बेचैन है, बेचारी बोल भी नहीं पाती है। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। मालिक, तुम केवल दर्शक बनकर मत रहो, तुम्हारी उम्मीद पर ही तो इंसान जीता है। तुम पर जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसे इंसान दांव पर तभी लगाता है जब घड़ी बहुत ही मुश्किल भरी हो। वो यही सोचकर दांव पे लगाता है कि मालिक सब ठीक कर देगा, क्योंकि उसके पास उस समय कोई और उपाय नहीं होता, कोई और सहारा उसे नजर नहीं आता। मेरे मालिक,
तुम उस वक्त आखिरी सहारा होते हो। अगर ऐसे में तुम भी आंखें बंद कर लो तो क्या होगा मालिक? इंसान का विश्वास डगमगा जाएगा। जो श्रद्धा तुम पर है वो टूट जाएगी। आस्था की टोह कमजोर हो जाएगी। इंसान छोटी छोटी बातों में अपनी जिंदगी की खुशियां ढूंढता रहता है। क्या तुम उसकी इतनी भी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते? सच कहो तो मालिक, इंसान दुखों का पहाड़ लेकर जी रहा होता है, और ऐसे में जब कभी सुख की एक बूंद उसकी झोली में टपक जाए तो वो उसे तुम्हारा प्रसाद समझ बैठता है, दुआ समझ बैठता है। असल में इंसान को ऐसी ही दुआ की जरूरत है मालिक, इनका साथ दो। तुम्हारी एक रहमो नजर उसका, उसके परिवार का, उसके पालतू जानवरों का कल्याण कर देगा। सबका मालिक। एक